दोस्त, आज रिवीजन रिवीजन कंपटेटिव क्लास के ओर से आज पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षा के महान सम्राट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम लेकर के और यहाँ से आते हैं। देखिए आप लोग मेरा वीडियो को, और अगर समझ में आता है तो मेरा वीडियो को देखिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल मेरा वीडियो को छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि अवतल दर्पण आज टॉपिक क्या रखे हैं। अवतल दर्पण, ठीक है? इसमें क्वेश्चन बहुत सारा आता है कि अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो फिगर कहाँ बनेगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन निराइज होता है कि अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो फिगर उसका कहाँ बनेगा। ऐसे करके लगभग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहता है दोस्त। तो हम लोग आज बचपन से लेकर पचपन तक पढ़ते आए हैं, 9th 10th 11th 12th सारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन जो है क्या करते हैं हम लोग, रटते हैं और फिर भूल जाते हैं, रटते हैं और फिर भूल जाते हैं। उसका एक देखिए, हम लोग सिंपल तरीका में हम समझाते हैं। अगर समझ में आता है तो आप वीडियो के जरूर लास्ट तक देखेंगे, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। चलिए आते हैं। तो देखिए ये अवतल दर्पण है। क्या है अवतल दर्पण? है अवतल दर्पण है तो इसमें एक रहता है, देखिए इन्फिनि अनंत रहता है, एक वक्रता केंद्र होता है और एक कोटि होता है, फोकस होता है, और दूसरा मेरा क्या है, ध्रुव है। लेकिन क्वेश्चन को जब ऐसे आता है कि जब फिगर को हम अनंत पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे वस्तु तो कहाँ बनेगा, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, चौथा में आता है कि फोकस पर रखेंगे तो फिगर कहाँ बनेगा, और छठा जो आता है आपका, से फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखते हैं तो फिगर कहाँ बनेगा, ठीक है? तो यहां से हम कोड करते हैं और आप लोग समझिए। सबसे पहले यहां से कोड करते हैं, 1 2 3 4, एक हो गया आपका 5 और एक हो गया फोकस और ध्रुव के बीच में आपका 6। तो यहां से देखिए, जो हम फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखते हैं वस्तु को तो इस 6 वाला जो कोड है देखिए यहाँ पे आ गया है, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में जो फिगर है और वस्तु है वो फिगर कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है? अब वो तो पीछे बन गया, लेकिन और ये सब जो है कहाँ बनेगा। तब यहां से देखिए, जो हम कोड किए हैं अब इसको अपोजिट साइड से कोड कीजिए, यानी कि 5 से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5। देख रहे हैं दोस्त, देखिए क्या हुआ कि अनंत का जो 1 का कोड है आप देख रहे हैं कि फोकस के सामने आ गया है। कहां पे आ गया, फोकस के सामने आया। अब यहां देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो है दूसरा नंबर का कोड देख रहे हैं, ये कहां आ रहा है, आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ रहा है। तीसरा वक्रता केंद्र जो है, वक्रता केंद्र का कोण वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, समझ रहे बात को। चौथा देखेंगे कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में दो दो कोण था तो यहां आ गया, ठीक है? अब इसको देखिए, जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है वो आपका कोण बन रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यहां देखिए 4 नंबर का कोण आ गया। अब 5 नंबर का कोड है कि आप जो है फोकस पे जो वस्तु रखे थे उसका फिगर कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। यानी आपको कुछ समझ में आया, तो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन लगा करके यहाँ से आपको कुछ समझ में आ जाएगा पूरा पूरा क्लियर कि हम ये क्या बताएं, ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु को अनंत अनंत और वक्रता केंद्र, यानी कहा देखिए ये अनंत हो गया आपका और यहाँ देखिए वक्रता केंद्र है, ठीक है? अनंत अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो फिगर जो है कहाँ बनेगा, यही कहना कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो रखेंगे वो फिगर कहाँ बनेगा। तो देखिए दोनों के बीच में जो है आपका कितना नंबर का कोण है, 2 नंबर
कोड। अब दो नंबर कोड जो है सो देखिए इसको कहां है, कहां रहा है, इसके सामने, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। फिगर कहां पे बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कौन सा नंबर है, देखिए ये अनंत है ये नहीं होगा, वक्रता केंद्र ये भी नहीं होगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में फिगर बनेगा। समझ में आया बात। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं, उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन से बिल्कुल आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र देखिए वक्रता केंद्र क्या है, सी इसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र की वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो फिगर कहां बनेगा, यानी कि देखिए दोस्त ये जो वक्रता केंद्र है तीन नंबर का कोड, तो तीन नंबर का कोड कहां पे है, इसी के सामने बढ़ रहा है, यह है ना तीन नंबर का कोड, यानी कि वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो फिगर भी मेरा कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। तो जरा देखिए ऑप्शन में कौन सी है, अनंत है ये तो नहीं होगा, दूसरा फोकस ये भी नहीं होगा, तीसरा वक्रता केंद्र कहां है, यहां है देखिए, चौथा में तो डी नन है ये तो नहीं होगा, वक्रता केंद्र, यानी आंसर कौन हो जाएगा, वक्रता केंद्र। और गारंटी लेते हैं अगर नहीं समझ में आया होगा तो मेरा वीडियो कभी नहीं देखिएगा, आज के बाद कभी नहीं देखिएगा, और अगर समझ में आ गया दोस्त तो एक आप स्टूडेंट समझ के लाइक सब्सक्राइब आप अपना प्यार को जरूर दीजिएगा, और इसी के साथ अपना वाणी को समाप्त करते हैं।